with my fifth, in fact fifth lecture. इस lecture में वो जो अपन ने previous concept पढ़ा था velocities वाला, उसको एक example से, simple example से demonstrate करता हूँ. Tough example धीरे-धीरे आते जाएंगे as we will progress. So एक simple example है. इसके अंदर ये velocity मैंने दे रखी है 5 i cap, है ना. देखो अगर हो सकता है फ्रेम के बाहर मैं चले जाऊं, मैं थोड़ा एक्साइटेड रहता हूं, तो अगर मैं फ्रेम के बाहर चले जाऊं तो मेरी आवाज आप तक आ रही है, आवाज पे ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, मेरा हाथ आपको दिखता रहेगा, ठीक है. सो मैं बोल रहा था कि ये वेलोसिटी है 5 i cap, ये एंगल है 37 डिग्री, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने चल रहा है और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इनफैक्ट ये वाई एक्सिस है. तो अगर सबसे पहले हम वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे velocity of object को, तो वो होगा 5 cos 37 i cap, ठीक है, प्लस 5 sin 37 j cap, 5 cos 37, 5 sin 37. मुझे उम्मीद है कि cos 37 sin 37 की वैल्यू अपने को पता है. तो 5 cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5, तो 5 into 4/5 i cap, प्लस साइन 37 3/5, 5 into 3/5 जी कैप, तो वीओ कितना आ गया 4 i cap प्लस 3 j cap, ठीक है. तो एक तो ये, अब सिंपल, अब हमको जब लिखना है वीआई, तो वीआई में भी दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इमेज की वेलोसिटी होगी वाई में, एक इमेज की वेलोसिटी होगी एक्स में. अब आपको क्या करना है, वाई और एक्स भूल जाओ, आप तो ये देखो कि कौन सा कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है और कौन सा कंपोनेंट मिरर के परपेंडिकुलर है. तो कौन सी डायरेक्शन मिरर के पैरेलल है, वाई एक्सिस. तो अभी अपन ने बात की थी कि वाई एक्सिस में चाहे मिरर चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, इमेज की वेलोसिटी और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमेशा सेम रहती है. तो वाई एक्सिस में जो ऑब्जेक्ट है वो 3 से जा रहा है, तो इमेज भी किससे जाएगी, प्लस 3 j. समझ गए, सिंपल. हाँ, अब एक्स की बात करते हैं. अब अभी तो मिरर नहीं चल रहा है, मैंने तो दिया ही नहीं है. तो एक्स एक्सिस में अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है ऐसे आगे की तरफ, तो जो उसकी असली वेलोसिटी है 4, वो मिरर के रिस्पेक्ट में ही तो हुई, क्योंकि मिरर तो चल नहीं रहा है. तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी हमेशा मिरर के रिस्पेक्ट में अपोजिट होती है और इक्वल होती है. तो इमेज जो है, अगर ऑब्जेक्ट 4 i cap से जा रहा है तो इमेज -4 i cap से पीछे आ रही होगी, तो ये आपका वेलोसिटी आ गई. सिंपल था, समझ गए. अब अगर मिरर भी चल रहा हो, ये एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, ऑब्जेक्ट वही है, वीओ कितना है 5 दिख रहा होगा, ज्यादा छोटा नहीं लिख रहा हूं, और मिरर ऐसे जा रहा है. अभी अपन 2D में भी चलाएंगे मिरर को, वो बात की बात है. मिरर की वेलोसिटी है -5 i cap, समझ गए, ये बता रहा है एरो. वीडियो एक्चुअली कोई टेक्निकल एरर की वजह से अटक गया था, तो मैं वहीं से ही वापस स्टार्ट कर रहा हूं कि मैंने यहां तक आपको बता दिया था कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 4 i cap प्लस 3 j cap. अब इसमें मिरर भी चल रहा है, मिरर कितनी स्पीड से चल रहा है, मिरर चल रहा है -5 i cap, यानी पीछे की तरफ जा रहा है 5 meters per second. अब हमको ऑलरेडी पता है कि मिरर y में चल भी नहीं रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर चल भी नहीं रहा है, और चल भी रहा होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी पता है. तो फर्क नहीं पड़ते का मतलब यह है कि इमेज की और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, यानी इस केस में y एक्सिस, इस केस में y एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, उस डायरेक्शन में इमेज और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम रहती है. तो इमेज की वेलोसिटी y में कितनी रहेगी, ऑब्जेक्ट के बराबर, यानी 3 j cap, ये तो पक्का. अब x एक्सिस में मैं आपको बोला था कि मैं ट्रिक भी बताऊंगा, पर पहले मैं आपको मेथड से बता रहा हूँ. मेथड क्या है कि VOM निकालो, VOM होता है VO माइनस VM. VO कितना है 4 i cap, माइनस VM कितना है -5 j cap, 5 i cap, ऐड करा ये ऐड हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस 9 i cap हो जाएगा, VOM निकाला. अब हम जानते हैं कि VIM होता है -VOM,
तो वी आई माइनस वी एम हो गया माइनस ऑफ नाइन आई क्या, नाइन कैसे हुआ माइनस, क्योंकि वी ओ एम तो नाइन है और हमको लिखना है माइनस वी एम, तो ये हो गया माइनस नाइन, वी एम उधर ले जाओ, वी एम को ऐड करो, और वी एम क्या है, वी एम है माइनस फाइव आई क्या प्लस वी एम, वी एम है माइनस फाइव आई क्या, सही है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक के लिए अच्छा एक बार लिख लो इसको, मैं अब 5 सेकंड के लिए फ्रेम छोड़ रहा हूं। आप इसको पॉज करके लिखते रहना, ठीक है ना। तो मैं अभी यहां से मिटा रहा हूं ट्रिक के लिए। तो ट्रिक यह है, देखना ये ट्रिक सिर्फ प्लेन मिरर के लिए वैलिड है, और तब वैलिड है जब हम वो वाली वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक है कि वी अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, देखो ये हमेशा याद रखना कि जो अगर मिरर चल रहा है तो लगा रहे हैं ट्रिक ऑब्वियसली हम, तो अगर मिरर चल रहा है तो मिरर की वेलोसिटी कितनी है ना, मिरर की वेलोसिटी है माइनस फाइव आई कैप, इसको डबल कर दो, ट्वाइस ऑफ मिरर की वेलोसिटी प्लस इसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को माइनस कर दो, तो आप देख सकते हो ट्वाइस इंटू मिरर की वेलोसिटी कितनी है, मिरर की वेलोसिटी माइनस फाइव तो हो जाएगा माइनस फाइव आई कैप, माइनस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है फोर आई कैप, तो हो जाएगा माइनस टेन आई कैप माइनस फोर आई कैप इज इक्वल टू माइनस फोर्टीन आई कैप। ठीक है, तो इस ट्रिक को या तो ऐसे लगा लो या ऐसे भी कर सकते हो आप कि मैग्नीट्यूड जोड़ दो, जैसे अब मिरर की वेलोसिटी को ट्वाइस करो तो मैग्नीट्यूड को, तो फाइव का ट्वाइस हो गया टेन, और उसमें मैग्नीट्यूड जोड़ दो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है फोर, तो जोड़ दो कितना हो गया फोर्टीन। अब ये ध्यान रखना कि जो इस ट्रिक में जो इमेज चलेगी वो हमेशा मिरर की डायरेक्शन में चलेगी, जिधर मिरर चल रहा है, तो मिरर हमेशा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो इमेज नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जाएगी, तो माइनस आप लगा दो, समझे कि स्पीड को डबल करो मिरर की, तो फाइव का डबल टेन, उसमें ऑब्जेक्ट की स्पीड ऐड कर दो फोर ऐड कर दो, तो कितना हो गया फोर्टीन, और उसको हमेशा याद रखना कि इमेज वहीं जाएगी जहां पे मिरर जिस तरफ चल रहा है, तो मिरर नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ चल रहा है, तो माइनस लगा के फोर्टीन डायरेक्ट लिखेंगे बना के से, ठीक है। तो अगले लेक्चर में अगला एग्जांपल, ओके। ट्रिक आप नोट डाउन करो।